म्यूजिक अगर इस तरह का एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए एंड जो भी मटेरियल होगा सारा कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो भाई देखिए, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए कैपकट एप्लीकेशन का जरूरत होगा। ये देखिए कैपकट एप्लीकेशन है, इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग कोई सा भी एक VPN को कनेक्ट कर लीजिएगा टैप टू कनेक्ट करके। यहाँ पर गाइज मैं एक VPN एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसे भी इंस्टॉल करके ओपन करके टैप टू कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का कैपकट जो है स्मूथली वर्क करेगा और कोई भी इफेक्ट यहाँ पर आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पे फर्स्ट टच करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक 2 सेकंड का वीडियो मिलेगा, देखिए ये वीडियो है, इसे आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है। ऐड होने के बाद देखिए लास्ट में एक एंडिंग वाला पोर्शन है, इसे डिलीट कर लीजिए। आप गाइस नीचे देखिए ऐड ऑडियो करके आ रहा है, इस पर टच करें। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड पर टच कर लीजिए एंड यहाँ पर गाइस एक 12 सेकंड का वीडियो मिलेगा, इसे ऐड कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइड में एक प्लस का आइकन हो रहा है, इस पर टच करें। अब गाइस आपका फेवरेट 4 फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो जिस फोटो से आप लोग स्टेटस बनाना चाहते हो यहाँ पर गाइस 4 फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 4 फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। अब गाइस हर फोटो को आप लोगों को 2.5 सेकंड तक रखना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट फोटो को 2.5 सेकंड तक कर लिया हूँ, उसके बाद सेकंड फोटो को भी आप लोगों को 2.5 सेकंड तक करना है। तो इस तरह से आप लोगों को चारों फोटो को 2.5 सेकंड तक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देखिए सभी फोटो को मैंने 2.5 सेकंड तक कर लिया है। अब यहाँ पर गाइस आप लोगों को क्या करना है, देखिए बैक आना है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट करके मिल रहा है, इस पर टच करें। उसके बाद गाइस आप लोगों को 16:9 ये वाला जो रेशियो, इस पर टच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो यूट्यूब रेशियो होता है इसको आप लोग टच कर लीजिएगा। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वीडियो पर टच करें, इस तरह से टिल्ट करें। टिल्ट करने के बाद गाइस इस तरह से आप लोग इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए। अब आप लोगों को चारों फोटो को इस तरह से टिल्ट करके जूम करना है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग दोनों फिंगर से इस तरह से रोटेट कीजिएगा 90 डिग्री एंड इस तरह से इसे देखिए करना है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर चारों फोटो को मैंने यहाँ पर इस तरह से कर लिया है। अब गाइस फोटोज पर टच करना है, यहाँ पर एनिमेशन पर टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर कॉम्बो करके इफेक्ट मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पर अगर नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे देखकर आप लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो यहाँ पर कॉम्बो पर टच करना है। टच करने के बाद गाइस यहाँ पर पेंडुलम 1 को इस तरह से ऐड करना है। सेकंड फोटो में भी आप लोगों को पेंडुलम 1 को ही ऐड करना है, यहाँ पर देखिए पेंडुलम 1 जो इफेक्ट है। थर्ड फोटो में सेम आप लोगों को पेंडुलम 1 एंड फोर्थ फोटो में भी पेंडुलम 1 इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर 4 फोटो में ही पेंडुलम 1 इफेक्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर जो ये वाला बीच में जो है इसमें टच करना है, उसके बाद कैमरा पर टच करना है एंड यहाँ पर पुल इन जो है इसको आप लोगों को टच करना है एंड अप्लाई टू ऑल देखिए नीचे एक है, इस पर टच कर लीजिए, तो अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से होगा, बहुत ही बेहतरीन है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आना है, ओवरले पे टच करना है, ऐड ओवरले पे टच करना है। यहाँ पर गाइस आप लोगों को एक व्हाइट बैकग्राउंड का पिक्चर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइस देखिए ये फोटो है, तो इसे ऐड करें। ऐड करने के बाद इसे भी आप लोग इस तरह से टिल्ट कर लीजिएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ इस तरह से। टिल्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, इसका ड्यूरेशन आप लोगों को छोटा करना है इस तरह से। एंड यहाँ पर इस व्हाइट बैकग्राउंड को आप लोग क्या करना, देखिए नीचे एक स्प्लाइस करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर टच करें। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ओवरले करके है, देखिए ये वाला जो है इस पर आप लोगों को टच करना है। तो इस तरह से देखिए ये व्हाइट फ्लास की तरह होगा। एंड यहाँ पर गाइस आप लोगों को क्या करना है, इस पर टच करना है, यहाँ पर एनिमेशन पर टच करना है, उसके बाद आउट एनिमेशन पर टच करें, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए फेड आउट, इस पर टच कर लीजिए, तो इस पर टच कर लीजिएगा इस तरह से। अब गाइस आप लोग देखिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए एंड इस जो है इसको आप लोग कॉपी करना है। तो इस तरह से लास्ट में जाइए, देखिए यहाँ पर कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टच कर लीजिए। अब इसे देखिए बीच में एक ऐड करें एंड उसके बाद फिर से आप लोग इसे एक कॉपी कर लीजिए एंड लास्ट में ऐड करें। तो गाइस देखिए एक फोटो में आप लोग 3 इस तरह से ऐड करना है एंड ये प्रोसेस दोस्तों आप लोगों को 4 फोटो में करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आप लोगों को फिर से कॉपी करना है एंड सेकंड फोटो के स्टार्टिंग में इस तरह से ऐड करना है, उसके बाद फिर से कॉपी करें एंड इस तरह से ऐड करें। तो इस तरह से गाइस आप लोगों को ऐड कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने सभी फोटो को इस तरह से जो व्हाइट फ्लैश है इसको इस तरह से आप लोगों को सभी फोटो में ऐड करना है। देखिए मैंने सभी फोटो के नीचे 3-3 करके ऐड कर लिए। तो इस तरह से हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को इसे एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर गाइस देखिए ऊपर में एरो का जो साइन है इस पर टच कर लीजिए एंड यहाँ पर गाइस आप लोग 1080p या 2K में भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, बैक आना है। आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर टच करना है एंड उस वीडियो को जो आप लोगों ने अभी एक्सपोर्ट किया उसे ऐड करना है।
ऐड करने के बाद गाइज आप लोग क्या करें, देखिए नीचे एक फॉर्मेट करके ऑप्शन है, इस पर टच कर लीजिएगा। आप लोग अगर फुल स्क्रीन में चाहते हो तो 5:8 को कर लीजिएगा, या तो 9:16 को भी आप लोग कर सकते हो। तो अगर 9:16 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसे आप लोग इस तरह से टिल्ट करके जूम कर लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो गाइज आपका जो वीडियो है बनकर रेडी हो चुका है, यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ ऑडियो के बिना। आप लोग ऑडियो के साथ सुनना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल था, अगर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखे हो। तो चलिए गाइज आज का वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करेगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।